मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गुरुवार को फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तबीयत खराब होने की शिकायत पर उन्हें पश्चिमी दिल्ली स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल की बाथरूम में चक्कर आने के बाद गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें गुरुवार सुबह अस्पताल लाया गया। बताया गया है कि जेल में गिरने के कारण सत्येंद्र जैन की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है। ऐसे में उन्हें एक हफ्ते में दूसरी बार सत्येंद्र जैन को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। सत्येंद्र जैन की सेहत से जुड़ी ताजा अपडेट के सामने आई है कि उन्हें दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सत्येंद्र जैन को लोकनायक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। बताते चले कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल नंबर 7 में बंद है। बीते रात बाथरूम में गिरने से घायल होने पर उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। एहतियात के तौर पर उनके सारे टेस्ट करवाए गए। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की स्पाइन की सर्जरी भी होनी है। स्पाइन में प्रॉब्लम की वजह से वे कमर में बेल्ट पहनते हैं। स्पाइन में प्रॉब्लम की वजह से कुछ दिनों पहले उन्हें सफदरगंज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था।